जय हिंद, कैसा आप? तो मेरे हिसाब से ही होंगे। अमेजन प्राइम डे सेल आज रात 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है, और जो यहाँ पे डिस्काउंट्स है ना वो बहुत ही अधिक है। मैं अभी देख रहा था एचपी विक्टस i5 13 Gen RTX 4050 वाला वेरियंट, इसका सेल में प्राइस आ रहा है 65,000 रुपये के आसपास, जो कि बहुत ही कम है। मैं एक और एचपी ओमेन देख रहा था, उसका प्राइस आया था 1,19,000 रुपये के लमसम, और सेल में उसका प्राइस आया था 90,000 के लमसम, भाई 30,000 रुपये का डिस्काउंट, जो कि बहुत ही अधिक है। अमेजन प्राइम डे सेल में लैपटॉप प्राइस बहुत ही कम होने वाला है, तो अगर आपको लैपटॉप बाई करना है आज रात 12 बजे तैयार रहना। जैसे सेल स्टार्ट होगा लैपटॉप बाई कर देना। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है कि हम कौन सा लैपटॉप बाई करें, आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। आप मेरे इंस्टा आईडी या फिर टेलीग्राम पे आके बस बजट और पर्पज लिख के मैसेज कर दो। आपके बजट के हिसाब से जो सबसे अच्छा लैपटॉप होगा आपके पर्पज को देखते हुए, वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। बाकी अगर आपके पास टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम नहीं है ना, तो सिंपली आप SMS कर सकते हो। बाकी मैं जब रिप्लाई दूंगा तो मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम वाले बंदे को दूंगा, उसका टेलीग्राम, और उसके बाद जो भी बंदा SMS करेगा मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं अमेजन प्राइम डे सेल में बहुत ही डिटेल में। देखो, अगर आपके पास ICICI बैंक या फिर SBI बैंक का कार्ड होगा ना, क्रेडिट कार्ड, तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट देखने मिलेगा। इसलिए आप मान सकते हो कोई भी आपका बाइक करोगे तो 5-6 हज़ार रुपये का डिस्काउंट लमसम मिल सकता है, या फिर उससे भी अधिक। बाकी हम उसका नीचे आते हैं तो डिस्काउंट कुछ इस प्रकार का है, आप यहाँ पॉज कर पढ़ सकते हो। तो हम नीचे आते हैं तो सेल का प्राइस अब लाइव हो चुका है, तो लैपटॉप देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा लैपटॉप है। देखो यहाँ पे जो इफेक्टिव प्राइस है ना, ये तब आएगा जब आप कार्ड ऑफर अप्लाई करोगे। बाकी सेल का प्राइस ये है, ठीक है। जो डेल का लैपटॉप है i5 12 Gen पे 8 GB का रैम है, 512 GB का SSD है, सेल में इसका प्राइस है 44,990 रुपये। अगर आप कार्ड ऑफर लगाओगे तो आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा 38,490 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही कम है। बाकी यहाँ पे एसुस का ये भी लैपटॉप बहुत ही तगड़ा है, इसमें इंटेल का i7 12 Gen का CPU है, इसका सेल में प्राइस है 57,990 रुपये। कार्ड ऑफर लगाओगे तो आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा 51,490 रुपये में। पर मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है अंडर 60 की, एक नन गेमिंग लैपटॉप बाई करना है, तो सबसे बढ़िया जो लैपटॉप होगा ना वो है आपका अंडर 60 के में जो सबसे बढ़िया लैपटॉप है वो है एसर स्विफ्ट गो 14 OLED। आप ये लैपटॉप बाई कर सकते हो। बाकी हर एक लैपटॉप का बेस्ट पेयरिंग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे बस बाय नाउ पे क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे एसर कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखो, ऑफिशियल वेबसाइट से लेने का फायदा क्या है ना, कि यहाँ पे भले प्राइस हल्का सा तो अधिक है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्राइस हल्का सा अधिक है, पर यहाँ पे आपको 2 साल का वारंटी एक्स्ट्रा और एसर का माउस मिल जाता है फ्री में, ठीक है। या फिर आप ये भी चूज कर सकते हो, ये ज्यादा अच्छा होगा, 2 साल का वारंटी और एसर का वायरलेस कीबोर्ड और माउस फ्री मिल जाएगा, और ये लैपटॉप बेस्ट है अंडर 60 के। ऐड टू कार्ट कर देना, ये ऐड हो जाता है, ठीक है। बाकी एक कूपन कोड मैं आपको आगे बता दूंगा, वो कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 2,000 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। कूपन कोड है आपका कैपिटल वेलकम 2000, ठीक है। आप इसको अप्लाई करोगे आपको इजिली मिल जाएगा 2000 का डिस्काउंट यहाँ पे। ये जो प्राइस है ना, इस पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ये लैपटॉप पड़ेगा 57,990 रुपये में, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो 2,000 रुपये का डिस्काउंट लग चुका है, और ये लैपटॉप प्राइस हो चुका है 57,990 रुपये। मेरे हिसाब से अंडर 60K में ये लैपटॉप बेस्ट है, आप इसको बाई कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट है 70K, एक नन गेमिंग लैपटॉप लेना है ना, तो उस बजट में 70K में सबसे बढ़िया जो लैपटॉप मुझको लग रहा है ना, वो है एसर स्विफ्ट गो 14 OLED i7 13 Gen का वेरिएंट, आप इसको बाय कर सकते हो। बाय नाउ पे क्लिक करो, और ये मेरा ही वेबसाइट है, Rapido.ca मेरा ही वेबसाइट है, ठीक है, तो ट्रस्ट कर सकते हो। इसका प्राइस है 67,999। फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा, पर फ्लिपकार्ट पे आपको 2 साल का एक्स्ट्रा वारंटी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी वही बात है, यहाँ भी आप वही जो कूपन कोड मैंने बताया वेलकम 2000 वो अप्लाई करोगे, यहाँ भी आपको मिलेगा 2,000 रुपये का डिस्काउंट, तो फिर इसका प्राइस आ जाएगा आपका 65,999 रुपये, और उस प्राइस में आपको मिलता है यहाँ पे 2 साल का वारंटी और वायरलेस कीबोर्ड माउस, इसको सेलेक्ट करना, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पे एक ही पीस स्टॉक में, भाई देखो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है ना, जिनका बजट अंडर 70 के है, मैंने सबको यही लैपटॉप रिप्लाई बताया है, रिप्लाई में यही लैपटॉप बताया है, तो आप ये लैपटॉप बाई कर सकते हो। देखो मैं सुबह से सबको रिप्लाई दे रहा हूँ, तो बोली थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग का मैसेज आया टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, और मैंने सबको रिप्लाई दिया है। तो अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम का जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और इंस्टा आईडी का जो इंस्टा हैंडल है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अंडर 70 के ये आपका बेस्ट है।
बाकी हर एक लैपटॉप का बेस्ट वैल्यू इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। देखो जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यही सब लैपटॉप है और मैं ये सब उतना वैल्यू कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। भले ये सब सस्ता हो गया सही है, जैसे कुछ लैपटॉप यहाँ पे सही है, लाइक आप बोल सकते हो कि ये लैपटॉप सही है, डेल का लैपटॉप आई का 12 वर्जन पे, एचपी का ये लैपटॉप सही है, और मैं एचपी और डेल को सही बताता हूँ कि थोड़ा फेवर करता हूँ। बाकी हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे एसुस का लैपटॉप है, ये लैपटॉप बहुत ही पावरफुल लैपटॉप है, ASUS VIVO 15। ये जो लैपटॉप है ना, इसमें जो सीपीयू है इंटेल का i5 का 12 जन का 12 500H का सीपीयू है, ये 12 कोर का सीपीयू है, और इसका जो प्राइस आएगा आफ्टर डिस्काउंट 45,000 के आसपास, उस प्राइस में ये लैपटॉप बेस्ट है, आप इसको बाई कर सकते हो। अगर आपको एक नन गेमिंग लैपटॉप बाई करना है तो आप इसको देख सकते हो। बाकी यहाँ पे एचपी का ये लैपटॉप है, ये सीपीयू थोड़ा पुराना हो चुका है। बाकी लेनोवो आईडीपैड स्लिम 5 है, ये आपका आता है आपका वही 60,000 में। देखो ये सब बाई मत करो, एसर स्विफ्ट गो 14 OLED सही है, i5 ले लो अगर आपको बजट अंडर 60 के, i7 खरीदो अगर आपको बजट अंडर 70 के। बाकी यहाँ पे एसर एस्पायर लाइट है, आप इसको देख सकते हो, और यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, ऐसी बात है। कुछ कुछ लैपटॉप पे बहुत ही हैवी डिस्काउंट है, तो नीचे आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो ये सब बस नॉर्मल सही है। देखो अगर आपको बजट में कोई लैपटॉप बाई करना है ना, प्रोफेशनल लैपटॉप, तो आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप पे। देखो जैसे कि ये लैपटॉप, ठीक है, अभी इसका प्राइस ऐसे ही कम हो गया, एचपी विक्टस ये लैपटॉप है, i5 का 13 जन का सीपीयू है यहाँ पे, और 6 GB का RTX 4050 GPU है। देखो इसका नॉर्मल डे प्राइस होता है वही आपको 84,000 के आसपास, ये रोटेट करता है, कभी कभी 80,000 में भी आता था। बाकी अब इसका प्राइस ड्रॉप किया गया है, इसका प्राइस ही आ चुका है 75,990 रुपये, मतलब 75,990 इसका प्राइस हो चुका है। बाकी इस पर जब आप कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा 67,990, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है। ये लैपटॉप में बहुत ही हैवी डिस्काउंट है, और HP Victus Gaming RTX 4050 वाला वेरियंट बहुत ज़्यादा ही सेल होने वाला है, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी यहाँ पे HP Omen है, HP Omen जिसका अभी का प्राइस चल रहा है 1,09,990 रुपये, ये लैपटॉप है। अगर आप कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो आपको ये लैपटॉप मिलेगा 89,990, मतलब देखो एक तो ऐसे इसका प्राइस कम किया गया, ठीक है, पहले ये प्राइस नहीं था। उसके बाद अगर आप कार्ड डिस्काउंट लगाओगे आपको मिलेगा, सॉरी 2,000 बोला था, 20,000 रुपये का डिस्काउंट, जो कि बहुत ही अधिक है, ठीक है। तो जिसके पास भी ICICI बैंक या फिर SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा ना, अगर वो लैपटॉप बाई करेगा उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने मिलेगा। ये भी लैपटॉप अच्छा है, अंडर 90 के में एक अच्छा लैपटॉप है, ये RTX 4060 वाला वेरियंट है। बाकी यहाँ पे लेने वाली पर गेमिंग फ्री आपको मिल जा रहा है, अभी इसका प्राइस है 45,990 रुपये, ठीक है, अभी सेल स्टार्ट हुआ नहीं है, सेल आज रात 12 बजे से सेल स्टार्ट होगा, फिर इसका प्राइस आ जाएगा कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद 39,990, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम है। लेनोवो का ये लॉक है, देखो इसका डिमांड बहुत ही अधिक है अभी के टाइम में, ठीक है। हर बंदा आता है मैसेज करता है कि भैया लेनोवो का जो लॉक है उसमें मदरबोर्ड टेस्ट हुआ है क्या। देखो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये लैपटॉप बाई किया है, अभी तक किसी के लैपटॉप में कुछ इशू आया नहीं है, क्योंकि किसी ने कंप्लेन नहीं किया मुझको अभी तक, अब भगवान करे करे भी नहीं, क्योंकि आज तक किसी का भी कंप्लेन मेरे पास ऐसा नहीं आया है। मैं 2019 से वीडियो बना रहा हूँ, और 2019 से लेकर आज तक जब भी कोई सेल आया मैंने हर सेल पर वीडियो बनाया है, और आज तक किसी का भी कंप्लेन नहीं आया कि भैया आपने मुझको गलत लैपटॉप बताया या फिर गलत लैपटॉप सजेस्ट किया, ठीक है। तो ये लैपटॉप भी मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है, लोगों ने बाई किया, कभी तक किसी लैपटॉप खराब हुआ नहीं है। बाकी अब इसका प्राइस है 65,990 रुपये, पर जब सेल स्टार्ट होगा तब भी यही प्राइस होने वाला है, पर अगर आप कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो आपको ये लैपटॉप पड़ेगा 57,240 रुपये में, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम है। यार मज़ा आ गया ये सेल को देख के, मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला था कि अमेजन प्राइम डे सेल में लैपटॉप प्राइस बहुत ज़्यादा ही कम होने वाला है, और सेम वैसा ही हुआ है। देखो भैया सीधी सी बात है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही हवाएं बात नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ नॉन गेमिंग लैपटॉप्स हैं ये सब, ठीक है, यहाँ पे एसुस का i7 12 जन का लैपटॉप मैंने बता दिया, और ये लैपटॉप प्राइस बहुत ही हाई है, एसुस ROG स्ट्रिक्स, इसका प्राइस भले कम किया गया तब पर बहुत ही हाई है, और ये सभी नॉन गेमिंग ही लैपटॉप है, ठीक है। नीचे कुछ है, चलो ठीक है, हम लोग बात करते हैं गेमिंग लैपटॉप पे, ठीक है। प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप यहाँ पे भी प्राइस लाइव हो चुका है कुछ कुछ लैपटॉप का, जैसे कि ये लैपटॉप है लेनोवो आईडीपैड गेमिंग 3, ठीक है, इसका बहुत सारा वेरियंट है, ठीक है। लेनोवो आईडीपैड गेमिंग 3 इसमें 60 हर्ट्ज वाला पैनल भी है, 144 हर्ट्ज वाला पैनल भी है, तो 60 हर्ट्ज वाला जो पैनल है ना
उसका प्राइस बहुत कम होगा। बाकी यहाँ पर डेल G15 है, i5 का 13 Gen, RTX 3050 वेरियंट है, और सेल इसका प्राइस आएगा प्लस कार्ड डिस्काउंट लगाने बाद 68,990 मेरे हिसाब से बहुत ही अधिक है, क्योंकि HP विक्टस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। आप HP विक्टस बाई करना, अगर आपको बजट है 65,000 रुपये के आसपास, आपके पास SBI या फिर ICICI बैंक का कार्ड है, तो आप HP विक्टस बाई करना। सेम यहीं पे HP विक्टस भी है भाई, सही बात है यार, यहाँ पर डेल भी है, यहाँ पे विक्टस भी है, तो कोई डेल क्यों ही लेगा। बाकी ये जो CPU है ये पूरा पूरी नया है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। बाकी एसर का जो ALG है ये आपको मिलेगा 48,740 रुपये में, देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको बाई करना तो आप देख सकते हो, ऐसे मैं बहुत अधिक रिकमेंड आपको नहीं कर रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे आप देखोगे कि अब इसका प्राइस है 58,990 रुपये, इससे पहले सर पहले मैंने आपको दिया था इसका प्राइस था 57,240 रुपये के आसपास, ठीक है। इसमें MS Office है, उसमें MS Office नहीं था, बस यही वेरियंट, यही अंतर है दोनों में, ठीक है। लेनोवो लॉक i5 12 Gen, RTX 3050, इसका दो वेरियंट है, एक में MS Office है, एक में MS Office नहीं है। तो अगर आप बाई कर रहे हो तो 1-2 हज़ार रुपये लगा ही लो, MS Office ले लो। बाकी MSI के ये लैपटॉप है, एसर का क्रिएटर्स उसका ये लैपटॉप है, i5 12 Gen, RTX 3050, 16 GB का रैम है, 1 TB का SSD है। प्राइस मेरे हिसाब से थोड़ा सा अधिक हो जा रहा है इसका, ठीक है, क्योंकि ये जो CPU है 12 4, सॉरी अच्छा CPU ये तो उसको 12 450H होगा, नहीं 12 500H, आप इसको देख सकते हो, डिस्प्ले ओलेड तो नहीं है, हाँ ओलेड डिस्प्ले इसमें नहीं है। बाकी यहाँ पर जो RTX 3050 है ये 50 वाट TDP वाला है, तो अगर आपको बाई करना तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ऐसे में उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ कि जब 65,000 रुपये के आसपास में आपको HP Victus मिल जाता है RTX 4050 वाला वेरियंट, तो वही बाई करो। बाकी यहाँ पे ASUS TUF Gaming F15 को कोई पूछ नहीं रहा है भैया, ये बजट का रहा है क्या ही हम बोले। तो यहाँ पे बस इतना ही था, और कुछ है यहाँ पर डेल का लैपटॉप है, लॉक हमने बात कर लिया। अच्छा जो लॉक है i5 का 13 Gen वाला वेरियंट, ठीक है, ये जो लॉक है i5 का 13 Gen, RTX 4050 वाला वेरियंट ही है, इसका सेल प्राइस यही होने वाला है, ठीक है। इसका सेल प्राइस कम नहीं किए ये लोग, सेल में भी यही प्राइस होगा, कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो आपको ये मिलेगा 73,740 रुपीज़ का। बाकी यहाँ पे कुछ वैसा कुछ खास लैपटॉप तो मुझको नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये HP विक्टस, इसमें क्या अंतर है यार, मैं पूरा कंफ्यूज कर गया, इसमें क्या अंतर है इसमें। मैं ओपन एंड न्यू टैब कर देता हूँ, ओके बल्ले बल्ले, किस चीज़ का बल्ले बल्ले हो रहा है, और इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ये दोनों में अंतर क्या है, ये और ये सस्ता है, ठीक है। यहाँ पर 16 GB का रैम भी है, रैम 16 GB का रैम है, बाकी अंतर क्या है यार, वेरिएंट में कुछ ना कुछ तो अंतर हो। अच्छा ये 1 TB वेरिएंट है, ठीक है, ये 1 TB वेरिएंट है और ये 512 GB का वेरिएंट है, वही मैं सोचा कि भाई इतना अधिक डिफरेंस कैसे हो गया। तो यही सब कुछ है भाई, सेल ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट अच्छा ही है, मैं इसको कुछ बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे i5 12 Gen RTX 2050 आपको मिलता है फॉर 9,990, ये भी सही ऑफर है, आप इसको देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट होगा होगा, क्योंकि HP पे लोगों को भरोसा है, और अगर आपको ये लैपटॉप मिल जाता है इस प्राइस पे तो आप इसको देख सकते हो। बाकी हर एक लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप कोई भी लैपटॉप ऑनलाइन बाई कर रहे हो तो भैया डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसको तो बाई कर, उससे होगा क्या कि भैया मेरा जो रूम रेंट है ये तो निकल जाएगा, ठीक है। मैं सबको ये मैसेज भी कर रहा हूँ कि भैया अगर लैपटॉप ऑनलाइन बाई करते हो तो भैया मेरा लिंक से बाई करना, उससे होगा क्या कि मैं आपको मदद तो कर ही रहा हूँ, थोड़ा मेरा हेल्प हो जाएगा रूम रेंट देने में, क्योंकि दिल्ली बहुत ही महंगा है यार, यहाँ पर रूम रेंट जो आता है ना वो 15,000 रुपये का लमसम है, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो जो पैसा आता है उससे रूम रेंट निकल जाता है, बस वही बात है। बाकी यहाँ पे भी लैपटॉप है, देखो ये सही है, अंडर 50 के में आप इसको देख लो, HP विक्टस जो ये लैपटॉप है ना आप इसको देख सकते हो। बाकी तो मैंने सब बता ही दिया है, ठीक है, अगर मन में थोड़ा सा भी डाउट है ना, क्योंकि लैपटॉप बहुत ही महंगा आइटम होता है, अगर मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टा आईडी या फिर टेलीग्राम पे आके मुझे
बस बजट और पर्पस लिख के मैसेज कर दो। आपके बजट के हिसाब से जो सबसे अच्छा लैपटॉप होगा मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको। बाकी वैसे लोग जिनके पास ना ही इंस्टाग्राम है ना ही टेलीग्राम है, आप मुझको सिंपली SMS कर सकते हो। देखो रिप्लाई थोड़ा लेट से मिलेगा क्योंकि सबसे पहले मैं मेरे प्रायोरिटी में इंस्टाग्राम है, फिर मैं टेलीग्राम वाले बंदे को रिप्लाई दूंगा और लास्ट में जो भी बंदा SMS करेगा मैं उनको भी रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगला गेम कैसे बनाए ये कमेंट कर बता देना। बाकी ये सिर्फ में आप एक गंदा लैपटॉप बाई करोगे इसका मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट्स बहुत ही अधिक है Amazon प्राइम डे सेल में। ओके, टाटा बाय बाय।